चोरी की गाड़ियों को काटकर उनके स्क्रैप को बेचने वाले गिरोह का शहर थाना पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। हुड्डा सेक्टर 2 के निकट बनी एक वर्कशॉप में विभिन्न राज्यों से चोरी कर गाड़ियों को लाकर उनका सामान निकालकर स्क्रैप में बेचा जाता था। शहर थाना पुलिस ने वर्कशॉप पर छापेमारी कर चोरी की एक इको गाड़ी भी मौके से बरामद की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। भवनकुंड चौकी प्रभारी कैलाश चंद ने बताया कि उनकी टीम 7 जून को देर शाम गश्त पर थी। इस दौरान उन्हें सूचना मिली कि हुड्डा सेक्टर 2 गेट पर अम्बेडकर पार्क के पास स्थित खान मोटर्स के नाम से एक प्लाट में वर्कशॉप चलाई जा रही है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी खुर्शीद नामक एक व्यक्ति उस वर्कशॉप को चलाता है। वर्कशॉप में चोरी करके गाड़ियां लाई जाती हैं और उनको यहां वर्कशॉप में तैनात कर्मचारी काट कर उनके स्क्रैप को अलग अलग करके बेच देते हैं। उनकी टीम को सूचना देने वाले ने बताया कि वर्कशॉप में चोरी की एक इको गाड़ी लाई गई है और उसे काट कर उसके अलग अलग हिस्से को स्क्रैप में बेचने की तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि जब टीम ने मौके पर छापेमारी की तो वहां वर्कशॉप पर ताला लगा हुआ था और कोई भी व्यक्ति मौके पर मौजूद नहीं था। वर्कशॉप के आसपास वाले दुकानदारों की मदद से पुलिस ने वर्कशॉप का ताला तोड़ा। ताला खोलने के बाद पुलिस की टीम जब वर्कशॉप के अंदर पहुंची तो उसके अंदर एक यूपी नंबर की इको गाड़ी खड़ी हुई थी, जिसको उनकी टीम ने अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से जब उक्त गाड़ी का पता लगाया तो वह इको गाड़ी यूपी के मेरठ से चोरी की गई थी। जांच में उन्हें पता चला कि वर्कशॉप से बरामद की गई गाड़ी मेरठ के ककड़खेड़ा से चोरी की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने खुर्शीद के खिलाफ चोरी की गाड़ी को अपने कब्जे में रखने का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की जांच तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही कई मामले और खुलने की भी आशंका है। एक खान वर्कशॉप है, खान मोटर्स के नाम से, सेक्टर 2 अम्बेडकर पार्क के पास है। तो मुखबर ने बताया भी चोरी की गाड़ी खड़ी हुई है यूपी नंबर की, UP15DA8487। तो उसके मुखबर की सूचना पर वहाँ खान वर्कशॉप में गए हम, तो वहाँ उसके अंदर गाड़ी खड़ी हुई थी। तो गाड़ी को हमने कब्जे में लिया, तो उसके गाड़ी के साइबर सेल से मदद से पता किया तो कंकरखेड़ा थाना पड़ता है यूपी मेरठ के, मेरठ में, तो वहाँ से चोरी कर रखी है। तो वर्कशॉप मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है और जल्द ही उसको गिरफ्तार करके कार्रवाई, सक्सेस कार्रवाई की। इससे पहले भी यहाँ कुछ इस तरह का काम चलता था गाड़ी काटने का? देखो ये तो अभी मेरी नॉलेज में आया है, जब तक इसकी खुर्शीद के नाम से है खान मोटर्स, उसकी अरेस्टिंग नहीं हो जाती जब तक हम क्लियर नहीं कर सकते अभी कितनी गाड़ियाँ इन्हें चोरी की मंगाई है, उसकी अरेस्टिंग के बाद ही क्लियर होगी। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया? ये जो खान मोटर्स है, खुर्शीद ने किराए पर प्लॉट लेके उसमें खोल रखी है, तो खुर्शीद के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है, उसको अरेस्ट करके तभी तो सारी बातों को जानकारी है। माना जाएगा किसी गिरोह से भी तार इसके जुड़े होंगे? वो तो अरेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा, उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भाग्या हुआ घर से।